शहर के अर्पिता पैलेस में रविवार को भाजपा का विधानसभा सम्मेलन के वर्चुअल रैली का सीधा प्रसारण करते हुए चुनावी शंखनाद किया। सम्मेलन का उद्घाटन अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मिनीलाल शेखर, प्रदेश मंत्री बेबी चंकी, बेलहर विधानसभा के प्रभारी मनोज यादव, जिलाध्यक्ष विकास सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रंजीत यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने डिजिटल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधानसभा सम्मेलन में पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मिनीलाल शेखर, प्रदेश मंत्री बेबी चंकी, जिला प्रभारी लालमोहन गुप्ता, मनोज यादव, जिलाध्यक्ष रंजीत यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में देशहित में किए गए कार्य तथा कोरोना महामारी में उठाए गए सकारात्मक कदम के साथ प्रवासी कामगार के हित में उठाए गए कदम पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। चर्चा करते हुए कहा, जब देश आजाद हुए तो छोटी छोटी रियासत थी, जिसमें गुजरात के जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर की रियासत थी। जूनागढ़ और हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व से विलय करा लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण धारा 370 एवं 35 ए लागू हुआ, जो देश के लिए नासूर बना हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक, राम मंदिर का हल, कश्मीर में 370 हटाकर एक देश एक संविधान लागू किया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने पिछले दिनों गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को पुरानी विरासत के कारण बताया। साथ ही भारत को विश्व के सबसे बड़ी एवं आधुनिक सेना बताते हुए हमारे देश की सेना प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हर समस्या का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है। जबकि नेपाल के साथ उपजे विवाद को भी जिक्र करते हुए इसे चीनी साजिश करार दिया तथा बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। सम्मेलन के पश्चात पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मिनीलाल शेखर के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड अर्पिता पैलेस से शुरू होकर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए वापस अर्पिता पैलेस पहुंची। इस अवसर पर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष भोलू पोद्दार, राजीव लोचन मिश्र, रामनंदन चौधरी, मृत्युंजय शर्मा, गुंजन भारती, रेखा खंड, प्रतीप गाय, रूपेश कुमार, संजीव सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, और बिहार में जो चुनावी शंखनाद हुआ वो पूरे प्रमंडल में पहली रैली अमरपुर विधानसभा से शुरू हुई। ये बहुत सफल रही, पूरे विधानसभा के हजारों लोग इससे जुड़े, पूरे बिहार में लाखों लोगों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से इस रैली को सफल बनाया। और चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, अभी समाप्त हुआ नहीं, और इस बार का जो चुनाव होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, थोड़े नियम कानून के साथ और बहुत सारे परहेज होंगे जो करने होंगे, और यही है माध्यम है, जो टेक्नोलॉजी है उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है अन्य दलों से। हम लोगों ने सारे दलों को पीछे छोड़ दिया, हम सेवा का भी कार्य बखूबी करते हैं और संगठन का भी कार्य बखूबी करते हैं। राजीव रूप प्रताप रूढ़ी ने मुख्य बातें क्या कही? राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने अभी जो वर्तमान स्थिति है देश की और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, और उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। बांका में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसी प्रकार दुष्कर्मियों के चंगुल से बचकर भाग निकली बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। नाजुक स्थिति को देखते हुए पत्रकार एवं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की उम्र करीब 13 वर्ष बताई जाती है। जानकारी के अनुसार बांका जिले के बोसी बाजार स्थित बजरंगबली स्थान के पास शनिवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास बेहद अस्त व्यस्त हालत में यह बच्ची रो रही थी। बच्ची रो रो कर बेहोश हो रही थी। स्थानीय पत्रकार एवं ग्रामीणों ने पूछताछ के दौरान बच्ची ने जो आपबीती बयान की तो वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वह झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा क्षेत्र के दोबडीहा गांव की है। शुक्रवार को अपने गांव से फुआ के यहां झारखंड गांव आई हुई थी। फुआ के यहां एक लड़का बराबर आता जाता था, उसी ने बहला फुसला कर अगवा कर लिया और उसे झारखंड के गांधीग्राम ले गया। उसने बताया कि लड़के उसे लेकर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ जबरदस्ती मारपीट करके बलात्कार किया गया। लड़के उसके साथ बेरहमी से पेश आए। हालांकि बच्ची यह नहीं बताई कि उसके साथ युवक ने कहां और किस जगह घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन इतना उसने जरूर बताया कि
अभ्यर्थी उसे गांधी ग्राम क्षेत्र में लाए गए थे। किसी तरह उनकी नजर से बचकर वह भागने में कामयाब रही। बच्ची ने बताया कि उन अपहर्ताओं के चंगुल से भागकर वह किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहती थी। इसी सिलसिला में वह भटक कर किसी तरह बौसी पहुंच गई, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पत्रकार एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे इलाज के लिए बौसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पुलिस को दिया गया। सूचना पाते ही पुलिस बौसी रेफरल अस्पताल पहुंची और बच्चे से पूछताछ की। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा रक्त स्राव होने के कारण बच्ची की हालत नाजुक है और इसी वजह से वह रो रोकर बेहोश हो रही है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को खून चढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही उसके बेहतर इलाज के लिए उसे बांका रेफर कर दिया था, लेकिन झारखंड के पुलिस पहुंच जाने से उस बच्ची को गोड्डा लेकर चली गई और बेहतर इलाज के लिए गोड्डा अस्पताल में भर्ती कर दिया। इधर बच्ची की आप बीती सुनने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अपराध को कारित करने वाले दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इधर स्थानीय लोगों ने बच्ची के साथ हुए अमानवीय अत्याचार पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया है। लोगों ने दुष्कर्मियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं उन्हें सजा दिलाने की मांग पुलिस से की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बांका मंडल कारा में पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार के तत्वाधान में बांका कारावास में युवा भारत के द्वारा कैदियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योगाभ्यास योग गुरु सेवक राजकुमार स्वाभिमानी के द्वारा जिला जेल के सभागार में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ पूर्व जेलर व पतंजलि योग गुरु सेवक राजकुमार स्वाभिमानी ने दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में जेल के बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों व जेलर द्वारा कैदियों को योग के महत्व को बताया गया। इस कार्यक्रम में सभी कैदियों ने बड़ी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ इसका लाभ लिया। योगाभ्यास योग गुरु सेवक राजकुमार स्वाभिमानी ने बताया कि योग हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। यह हमारी अमूल्य धरोहर है। तन मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपने जीवन अपनाने का संकल्प लेना होगा। योग करने से शरीर तनाव मुक्त रहता है, जिससे मनुष्य अपराध नहीं करता, वो परिवार बिखरने से बच जाता है। कार्यक्रम के अंत में जिला में योगाभ्यास योग गुरु सेवक राजकुमार स्वाभिमानी का आभार व्यक्त किया। वो कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए नियमित जेल में योग करने की बात कही। इस अवसर पर जेल विभाग के सभी अधिकारी व कैदी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महिला योग समिति के बैनर तले अमरपुर शहर के शिला भवन में 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन भाजपा नेत्री सह भागलपुर नगर निगम की पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर एवं योग आचार्य ब्रजेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंची मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिलाओं को आवश्यक रूप से योग को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। महिलाओं का डेली रूटीन और भोजन अव्यवस्थित रहता है, जिसे ठीक कर योग व्यायाम को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर प्रीति ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में भी हम नियमित योग कर अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इसे मात दे सकते हैं। योगाचार्य ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि योग को अपनाकर हम दवाई को अपने घर की दहलीज से बाहर रख सकते हैं। आज दुनिया के 178 देशों में लोगों ने योग अपनाया है और रिसर्च बताता है कि लोगों की औसत आयु बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से दोस्ती करें। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सीताशा, वार्ड पार्षद श्वेता दास, वार्ड पार्षद पूनम भगत, नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष गुंजन भारती, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पूनम भगत, महिला मोर्चा की महामंत्री सोनी शाह, महिला मोर्चा की मंत्री गुड़िया देवी, श्वेता भगत, पूनम शाह, नगर मंत्री मोनोगाय रजनी कुमारी, नगर मंत्री मुनमुन कुमारी, रश्मि देवी, संजू शाह, शालिनी शाह समेत दर्जनों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। और मुझे लगता है कि महिलाएं जो परिवार और घर और बाहर दोनों संभालती हैं, उन्हें स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और यहाँ की महिलाओं के लिए ऐसा कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा, लेकिन इस योग समिति, महिला योग समिति के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिला है और इसमें बहुत ही प्रसिद्ध जो देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे योगाचार्य आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी का सानिध्य प्रशिक्षणकर्ता के रूप में इस शिविर को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि अमरपुर की महिलाएं निरोग रहें, स्वस्थ रहें और इस शहर के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रजौन प्रखंड के क्षेत्र के बामदेव गांव में रविवार को पतंजलि योगपीठ सेवक राजकुमार स्वाभिमानी के तत्वाधान में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवा, बच्चा, बूढ़े ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद योग गुरु राजकुमार स्वाभिमानी ने लोगों को योग की जानकारी देते हुए कहा कि अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय इसके लिए भी निकालें। प्रतिदिन युवक प्रणाम करने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएगी। योग शिविर में विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सिखाए गए।
पतंजलि योग गुरु के नेतृत्व में ग्रामीण के साथ गांव में प्रचार प्रसार करते हुए क्रय योग रहे निरोग जैसा नारा लगाया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण एवं बच्चे भी उत्साह के साथ सहयोग किए। इस बार कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंस को लेकर प्रखंड क्षेत्र के कई लोगों ने अपने घर में बैठकर योग साधना किया। शिविर में मौके पर बमदेव गांव ग्रामवासियों के साथ क्षेत्र के आसपास के लोग अभ्यास करने के लिए पहुंचे हुए थे। चार बेटी के पिता को एकाएक अपनी वारिस की क्या याद आया, एक बच्ची की मां को शादी कर उठा लाया। यहां तक कि पहली बीबी को मंजूर था कि मगर दूसरे दिन ही घर आई नई सौतन ने पति के साथ मिलकर मारपीट करते हुए शनिवार रात्रि फांसी पर लटकाने का असफल प्रयास किया। महिला किसी तरह चीखती चिल्लाते हुए भाग आधी रात पड़ोसी गाँव में अपने जीजा के घर छुप कर अपनी जान बचाई। प्रीत महिला ने अपने दामाद के साथ थाना पहुंचकर अपनी सौतन पति के साथ दो देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह ताजा मामला कटियारी पंचायत के कटियारी गांव की है। 50 वर्षीय अशोक यादव चार बेटी का पिता है। दो बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दो अभी कुमारी है। इसी बीच उसने दो दिन पूर्व कटोरिया प्रखंड राधा नगर आसपास गांव के एक 6 वर्षीय बालक के साथ एक विधवा महिला को पत्नी बनाकर ले आया। पहली पत्नी प्रेमो देवी ने बताया कि इस मसले पर घर में थोड़ा वाद विवाद होने पर पति अशोक यादव ने अपने भाइयों एवं सौतन के साथ मिलकर मारपीट करते हुए फांसी पर लटकाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह चीखते चिल्लाते जान बचाकर पास के इंदुडी गांव में अपने जीजा के घर छुपकर अपनी जान बचाई। सुबह में अपने दामाद के साथ थाना पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। बेटा की चाह में लाया सौतन चार पुत्री की मां प्रेमो देवी को पुत्र नहीं हो पाना प्रेमो के लिए एक अभिशाप बन गया था। इसलिए पति अशोक यादव में एक 6 वर्षीय बालक के साथ सौतन लाकर पहली पत्नी प्रेमो छुटकारा पाने का प्लानिंग बनाया था। प्रेमो ने बताया कि उनका ससुर कालू यादव हत्या मामले में ही जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। सहायक अवर निरीक्षक मंजर सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए उनके घर पर गया था, सूचना पाकर सभी फरार थे। धोरैया प्रखंड में मंचलों का बोलबाला हो गया है। दबंगों का प्रवण इस कदर है कि गरीब महिला सब्जी विक्रेताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को दोपहर एक 65 वर्षीय महिला कामो देवी सब्जी बेचकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन मंचलों को यह नहीं देखा गया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि धोरैया थाना क्षेत्र के बिरनिया गांव में रविवार की दोपहर एक सब्जी बेचने वाली महिला की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान नरेश मंडल की पत्नी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की हर एक एंगल से छानबीन में जुट गई है। मृतक महिला के पति नरेश मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी कामो देवी सब्जी बेचने का काम करती थी। रविवार को वह गांव के ही बलराम सिंह के यहां सब्जी देने गई थी। लौटने के क्रम में बलराम सिंह के परिवार वालों ने तथा उनके बेटे दिलीप सिंह ने डंडे लेकर महिला को पीट पीट कर मार डाला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। खबर लिखे जाने तक रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार व बांका डीएसपी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं।